हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि 138 क्या है, क्योंकि बहुत से आदमियों के पास 138 के नोटिस आ रहे हैं बैंक और NBFC कंपनी द्वारा। और बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, अगर चेक बाउंस हो गया, अभी तो सिर्फ बाउंस चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन जब ये कोर्ट में केस करेंगे बैंक के NBFC कंपनी वाले, तो इसमें जो जिन्होंने लोन लिया उनका इसमें क्या बिगड़ सकता है। साथियों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। जब तक NPA पे रोक है, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपके खिलाफ चेक बाउंस का या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस नहीं कर सकता, क्योंकि चेक बाउंस होने के बाद ही 138 का केस रजिस्टर कर सकते हैं कोर्ट में। ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? जब आपके ऊपर ये केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन ये कब होगा? अगर आपने चेक दे रखा होगा तो। सिक्योर लोन होगा तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो सीधी अपनी, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप है, वो उसको खोस लेंगे, उसके एक्शन कर देंगे। आपका मकान दुकान जमीन जायदाद रखी है, उसकी एक्शन करके बोली करके अपने पैसे ले लेंगे। अनसिक्योर लोन में अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 क्या कहता है? ये इसके अकॉर्डिंग जिस भी आदमी ने चेक दिया है, जितने अमाउंट का चेक दिया है माननीय कोर्ट के द्वारा, उसको 100% तक पेनल्टी लग सकती है या 2 साल की सजा हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं, 2 साल की सजा भी और 100% तक पेनल्टी भी। ये 138 जो चेक बाउंस है, ये क्रिमिनल की श्रेणी में भी आता है और सिविल की भी, मतलब ये आपराधिक मामला भी है और दीवानी मामला भी है। आपराधिक मामला कैसे है? क्योंकि इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, इसलिए आपराधिक मामला है। दीवानी मामला कैसे है? हो सकता है इसमें सजा ना हो और 100% तक जुर्माना हो जाए, और माननीय कोर्ट के द्वारा दोनों चीजें भी हो सकती हैं, 2 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन मेरा आपको ये बताने का मतलब, आपको डराने का मेरा एम नहीं है, मेरा आपको जागरूक करने का मतलब है, जो मैं आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि आप जागरूक रहें इस विषय में कि होगा क्या, क्योंकि बहुत से आदमियों के मेरे पास कमेंट इस बारे में आ चुके हैं। अब आप ये ना डरे कि आपको जेल होगी होगी। मैं जब से देख रहा हूं, मैंने 50 लाख रुपए के केस, डिफॉल्ट के केस में, चेक बाउंस के केस में तो एक आदमी को 2 साल की सजा होते हुए देखी है, अदरवाइज उससे कम में मैंने आज तक किसी को कोई सजा होते मैंने नहीं देखी, कम से कम। क्योंकि माननीय जज साहब जो होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, वो भी ये समझते हैं कि यह आदमी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इसको हो सकता है 100% तक पेनल्टी लग के आपका केस क्लियर हो जाए। उसमें भी 6-7 साल हमारे देश में लग जाते हैं, पर इसमें क्योंकि ये क्रिमिनल की श्रेणी में आता है, इसमें सबसे पहले आपको जमानत करवानी पड़ेगी जैसे क्रिमिनल में। और एक दिक्कत परेशानी और आएगी, आपको हर तारीख को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल की श्रेणी में है। अगर ये सिविल का कोई केस डाले, आपने चेक ना दे रखा हो, फिर कोई जरूरत नहीं आपको पेश होने की, आपका वकील पेश हो जाएगा और वो तारीख ले लेगा, तारीख पे तारीख सिविल कोर्ट में लगती हैं। कोई भी सिविल का मुकदमा होगा, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं होता, किसी भी तरह की जेल नहीं हो सकती। क्रिमिनल केस में जेल का प्रावधान होता है। यहां तक बात क्लियर है तो बोलो हां, नहीं है तो इसको दोबारा देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये 138 जो चेक बाउंस कर रहा था, ये जो चला है, ये ब्रिटिश काल से चला हुआ है। पहले अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, हमें गुलाम बना रखा था फिजिकली, अब इन्हें आर्थिक रूप से हमें गुलाम बना रखा है। पहले बैंक और NBFC कंपनियों को तो जन्म ही नहीं हुआ था, बैंक भी पहले ये चला था किस लिए, इसको लागू किस लिए किया गया था? भाई कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है, उस टाइम कुछ ऑनलाइन तो था नहीं, भाई किसी आदमी ने यहां से बॉम्बे जाके, उस टाइम तो आज मुंबई बोलते हैं, उस टाइम उसको बॉम्बे बोलते थे, भाई बॉम्बे जाके कोई सामान लेना है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन तो थी, सामान तो आता जाता था, आवागमन तो था हर चीज का, व्यापार भी होता था, तो उसको अगर उतना पैसा, मान लो उस टाइम तो 1-1.5 लाख रुपए की भी बहुत वैल्यू थी, उसको 1.5 लाख रुपए का सामान लेना है, तो वो 1.5 लाख रुपए वहां लेके जाने की बजाय वहां पे चेक दे देता था,
और वो चेक से वो सामान उसको मिल जाता था, और जो वो चेक उसका पास ना हो तो वो पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती थी, तो उस डर में वो आदमी उसके पैसे दे देता था। अब क्या हुआ, अब ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले, जो आम आदमी है उसको कानून का पता नहीं, ना तो वो कभी कोर्ट में गया, ना उसके दादा परदादा कोई वकील थे, ना ही उसको कोई काम पड़ा, वो क्रिमिनल तो है ही नहीं, उसको पता नहीं उसको लोन की जरूरत है, और ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले उससे चेक ले लेते हैं, उसको तो पता ही नहीं है बाद में क्या करेंगे। जब तक वो करते हैं, जब तक उसके समझ में आता है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। भाई बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं, आम आदमी जो है उसने कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है, तो वो भी क्रिमिनल की श्रेणी में आ रहा है अगर उसने चेक दे दिया तो। अगर कोई आदमी किसी का एक दांत भी तोड़ दे तो उसको मैक्सिमम 6 महीने की सजा होती है, और इसमें उसको 2 साल की सजा दी जा रही है। उसको अज्ञानता के कारण वो चेक दे रहा है। अगर उसको ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले पहले बता दें भाई हम चेक ले रहे हैं, और कल को दिक्कत परेशानी आई, किस्त रुक गई, तो 2 साल की सजा भी हो सकती है, तो वो कभी लेगा ही नहीं। इसको इसमें से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हटा भी दे, बैंक और एनबीएफसी कंपनी की भी मजबूरी है लोन देना, वो बगैर चेक के भी देंगे, नहीं तो वो ब्याज कैसे लेंगे? अब ब्याज नहीं लेंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? तो अगर इसको हटा दिया जाए, ब्रिटिश कालीन जो है बहुत से कानून आज भी चले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इनको ब्रिटिश काल में आपने भी पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया, सबने वीडियो भी बनी है, टीवी फिल्में भी आई हैं सिनेमा हॉल में इनके ऊपर, इनको देशद्रोह के कानून में इनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। मृत्युदंड की सजा कैसे दी गई? फांसी के तख्ते पे इनको टांग दिया गया, और आज भी वही नियम। अब देश आजाद हुए कितने साल हो गए हैं? 47 में देश आजाद हुआ था, 3 साल वो, 70 साल ये, 1 ये, 74 साल के लगभग देश को आजाद हुए हो गए हैं, फिर भी वो ब्रिटिश काल का ही नियम आज भी लागू है। आज भी कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है, तो उसको उसी तरीके से तख्ते पे टांगा जाता है जो ब्रिटिश काल में टांगते थे, उसको आधे घंटे तक मृत्युदंड की सजा तख्ते पे टांग दिया जाता है, फांसी के तख्ते पे, और आधे घंटे के बाद उसको उतारा जाता है। तो आधे घंटे तक उसको प्रताड़ित करके उसको मारा जाता है अमानवीय तरीके से। आई मैं ये नहीं कहता कि किसी को मृत्युदंड की सजा नहीं होनी चाहिए, वैसे इसके खिलाफ आवाज भी उठी है हमारे देश में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, यहां पे मृत्युदंड की जो सजा है वो फांसी के तख्ते पे दी जाती है। इसके अलावा मेरी नॉलेज में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पे फांसी दे के आदमी को मारा जाता है, ये अमानवीय तरीके से यहीं पे ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, ये तो सारे पहले इंडिया में से ही तो निकले हुए देश हैं, ये तो ब्रिटिश काल की मानसिकता आज भी इनके ऊपर लागू है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के और किसी कोने में मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती, दी जाती है, विकसित देशों में भी दी जाती है और हमारे देश से ज्यादा दी जाती है, अमेरिका में भी दी जाती है, लेकिन वहां पे क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसको, जिसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, या करंट की चेयर पे उसको बैठा दिया जाता है। उससे क्या होता है, 3 सेकंड के अंदर आदमी मर जाता है। अगर साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो 3 सेकंड में आदमी प्राण त्याग देगा, और उसको करंट 11,000 वाट का लगा दी जाए तो 3 सेकंड के अंदर आदमी मर जाएगा, और उसमें उसको आधे घंटे तक लटका के रख रहे हैं। तो ये सारे ब्रिटिश काल के कानून जो है ये आज भी लागू है, इनको चेंज करना चाहिए। ऐसे ही ब्रिटिश काल का ये कानून है 138 का, ये आज भी लागू है, इसको हटाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे मंगल पांडे जी ने आजादी का बिगुल बजाया था 1857 में, उसके बाद आजादी तो मिली 1947 में, लगभग 90 साल के बाद, लेकिन उसकी नींव तो रखी गई ना। तो ऐसे मैं सोचू, मैं क्यों उठाऊं, आप सोचो आप क्यों उठाओ, वो सोचे वो क्यों उठाए, ये करोड़ों आदमियों की समस्या है, किसी ना किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो, या मैं जो समझता हूं, लोन लेने वाले के लिए या तो ये 138 है,
चेक बाउंस, जिसका ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले कर्जदार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, या ये जो 99% 54 छाप रिकवरी एजेंट है ये है। इसके अलावा लोगों को कोई मानसिक परेशानी नहीं है। कोरोना इतने आदमियों को नहीं मार रहा है, कोरोना ने हमारे देश में 1.5 लाख आदमियों को मार दिया होगा, ये तो यहां तो 15 करोड़ आदमी मर रहे हैं, 80 करोड़ आदमी मर रहे हैं, ये नहीं पता, कोई डाटा नहीं है कि कितने करोड़ों आदमियों का लोन है और कितने करोड़ों आदमियों को पर ये केस रजिस्टर्ड होंगे। तो आज की डेट में हम भी समझते हैं, हम भी मैच्योर हैं, जिसको भी लोन दे रखा है मैच्योर आदमी कोई तो बैंक ने लोन दे रखा है, 16 साल के लड़के को तो बैंक लोन ही नहीं देता है, जिसको लोन दे रखा है उसकी उम्र 26 की 36 की 46 की 50 की कितनी तो होगी भाई, उसको भी पता है। मैंने लोन लिया, मुझे भी पता है कि इसका ब्याज देना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्याज नहीं दूंगा, कोरोना काल की वजह से अगर मुझे दिक्कत परेशानी बिजनेस व्यापार में आ रही है या मेरी जॉब चली गई है तो मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए एग्री हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं पैसा देने के लिए। लेकिन जो ये काले कानून लगा रखे है 138, इसमें उसकी जेल हो जाएगी, उसको क्रिमिनल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, उसको जमानत करवानी पड़ेगी, और ये जो 99% 54 छाप रिकवरी एजेंट लोगों को हरास और परेशान कर रहे हैं, इनको लोगों के पीछे से हटाया जाए। तो मैं इस बारे में एक इसके खिलाफ एक मुहिम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए। मेरी फेसबुक आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से, फेसबुक पेज है डिसेंट एडवाइज के नाम से, और मेरा चैनल तो आप देख ही रहे हैं डिसेंट एडवाइज के नाम से है। इसके बाद मैं ऑफलाइन आंदोलन भी स्टार्ट करूंगा, मैं यहां करनाल रहता हूं, यहां 12 सेक्टर में सेक्रेटरिएट है, ऐसा नहीं है शुरू में कम आदमी जुड़ेंगे, लेकिन जब करोड़ों आदमियों की समस्या और करोड़ों आदमी जुड़ेंगे तो सरकार का ध्यान इसके पे जरूर जाएगा, क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को मां भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक इसके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, ब्रिटिश काल के कानून ये ऐसे ही लोगों को पीसते और दबाते रहेंगे। तो किसी भी तरह की समस्या हो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो ये मेरी वीडियो उनके पास शेयर करें। आपको किसी तरह की डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट करें, और ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।